नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आज नगर पालिका परिषद में 25 वार्ड के सभासदों ने नगर पालिका प्रशासन और कर्मचारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। काफी लगातार उन्होंने कहा कि हम लोग काफ़ी लगातार अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका परिषद में आते हैं, जहां ना तो कोई कर्मचारी मिलता है और ना ही कोई अधिकारी, और चेयरमैन पूरे क्षेत्र में दूर व्यवस्था बनी हुई है, जिससे हम सभासद काफ़ी परेशान हैं और हमारी शिकायतों पर का कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तो वही सभासदों द्वारा कहा गया कि नगर पालिका परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं, जिसमें किसी भी अधिकारी का निगाह नहीं जा रहा है। हम जिलाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि नगर पालिका परिषद के द्वारा जहां भी निर्माण कराया जा रहा है, वहां घटिया सामग्री और बालू सीमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। मौके पर ठेकेदार द्वारा लगातार घटिया निर्माण कराया जा रहा है। तो वहीं यहीं से भी हम लोगों ने बात की तो ये मौके पर जाने से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं जेई ओकार पटेल भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके द्वारा लगातार फर्जी MB मानक के विरुद्ध कराए जा रहे निर्माण कार्य के विरोध में सभी सभासदगण 16 अक्टूबर 2020 को आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि सारी इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा मुखराम निषाद पूर्व सभासद ने, आपको सुनवाते हैं। मुखराम निषाद, आज आप लोग यहाँ पे किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन करने का एकमात्र उद्देश्य है, नगर पालिका इस समय पूर्ण रूप से जो है निरंकुश हो गई है। तानाशाही व्यवस्था नगर पालिका में चरम पे है और जितना तानाशाह है उतना ही भ्रष्टाचार है। किसी भी वार्ड में देख लीजिए, किसी भी मोहल्ले में देख लीजिए, चाहे सफाई की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे निर्माण की बात हो, भ्रष्टाचार अपने चरम पे खड़ा है। और यहाँ पे नगर पालिका में ना तो ये अपने चैम्बर में बैठते हैं, हमारी जो है नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा जो है समय से नहीं मिलती हैं, और नगर की कोई समस्या अगर कोई सभासद लेकर आ जाए तो टेबल पर कोई कर्मचारी भी नहीं उपलब्ध रहता है। नगर पालिका वीरान सी पड़ी रहती है, ऐसे में वार्ड की समस्या व्यक्ति कहाँ लेकर जाए, यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दूसरी चीज़, हमारे वार्ड में एक निर्माण कार्य चल रहा है, आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आप चाहे अधिशासी अधिकारी को उसका जो निरीक्षण करवा लें, चेयरमैन साहिबा से निरीक्षण करवा लें, चाहे DM साहब, SDM साहब या कमिश्नर साहब से निरीक्षण करवा लें, देख लें कि एक नंबर के घटिया सामग्री का निर्माण कार्य प्रयोग किया जा रहा है। और इस निर्माण सामग्री के प्रयोग करने में EO और यहाँ के JE की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनका अपना हिस्सा बना हुआ है, इसलिए उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैंने फ़ोन से EO साहब से यह बात कही भी, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी या नगर पालिका से कोई संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा कि वाकई में देख लें हकीकत क्या है। आप लोग धरने बैठने वाले हैं क्या? ऐसे में अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम सभासदों ने निर्णय लिया है कि हम आगामी 16 तारीख से जो है धरने पर बैठने के लिए बात होंगे, क्योंकि जनसामान की समस्याएं जो विकराल होती जा रही हैं, नगर की जो जनता त्राही त्राही कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है व्यक्तिगत जो है वह इमेज खराब हो रही है, हमारी जो है इमेज खराब करने में नगर पालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए हम बात होकर नगर पालिका के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और उनके जो है सिस्टम के खिलाफ